जब रशियन जापानीज वॉर हुआ था 1904 से 1905, जिसमें रशिया हार गया था। गुड आफ्टरनून फ्रॉम खबरोब्स्क। यस, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैं उलानवडे से लेकर खबरोब्स्क तक आया था और ये ट्रेन अभी भी मेरी खड़ी है। मैंने अभी अभी लास्ट वीडियो ख़त्म किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ट्रेन जर्नी नहीं दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको खबरोब्स्क सिटी दिखाऊंगा। और अभी तक जो डिसाइडेड नहीं है कि मैं एक दिन रुकने वाला हूँ या दो दिन रुकने वाला हूँ, हॉस्टल में रुकने वाला हूँ, काउच सर्फिंग करने वाला हूँ, कुछ भी डिसाइड नहीं किया मैंने अभी तक। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको धीरे धीरे मैं सारा जानकारी देता रहूँगा। टाइम जोन फिर से चेंज हो गया मेरा, मैं अब आ गया GMT+9 से GMT+10 व्लादिवोस्तोक टाइम जोन में। एग्जिट कहाँ से करना है वो देखना है। खबरोब्स्क की धरती पर आपका स्वागत है। काफी मस्त सा मौसम लग रहा है यार, इधर का धूप निकली हुई है भाई, बड़ी प्यारी सी, सब बड़ा अच्छा अच्छा सा दिख रहा है। बाहर निकलती यहाँ पे पार्क है एक छोटा सा, बैठने बैठने के लिए जगह है, तो पहले मैं जगह ढूंढ के बैठता हूँ कहीं पे और फिर डिसाइड करेंगे करना क्या है। ये देखो चारों तरफ से कबूतर ही कबूतर। शाम के 6 बज गए हैं यार, यहाँ 2 घंटे से मैं बैठा हूँ। प्लान क्या करना क्या क्या है, अनफॉर्चुनेटली कोई भी यहाँ काउचसर्फर होस्ट मुझे नहीं मिले अभी तक, तो मैंने एक होटल बुक किया है, होटल नहीं हॉस्टल। हॉस्टल भी यार काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे, अच्छे हॉस्टल 650-650 इस रेंज के हैं। तो चलते हैं, एक रात के लिए मैंने बुक किया है, कल मैं मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से निकल ही जाऊँगा व्लादिवोस्तोक के लिए। रोड के उस पार से ही मुझे ट्रैम मिलेगी, यहाँ पर ट्रैम भी चलती है। ये है ट्रैम स्टेशन, भाई बहुत पुरानी ट्रैम है यार, एकदम झल्ली सी। इधर गए भाई, अब यहाँ से देखना है मेरा हॉस्टल। और इस बार मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक हॉस्टल बुक नहीं किया है। जाता हूँ पहले हॉस्टल, वहाँ जाके पूछूंगा कि कितने का है। ऐसे तो ऑनलाइन 650 का दिख रहा है, और क्या पता अगर वहाँ जाके सस्ता हो जाए, कई बार ऐसा हो जाता है। ये दिखा हॉस्टल ककादू हॉस्टल। चलो चल कर पूछते हैं क्या प्राइस है। प्राइस पूछे 20-23 बिल आ गई, वही है सेम प्राइस है 650 रुपये का। एयर कंडीशन है रूम में, एक दो लोग ही हैं, अच्छा है व्यू भी बाहर से। ये है मेरा, सही है, पर्दा वगैरह है, जैपनीज फ्रेग्रेंस आ रहा है। सामान वगैरह रख दिया है, अब निकलते हैं। सबसे पहले तो कुछ खाएंगे, और बगल में रिवर है, रिवर साइड चल के थोड़ा वॉक करते हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं बढ़िया ड्रोन वगैरह से, और देखते हैं सिटी में क्या क्या चीज़ है। मुझे लगता है एक दिन काफ़ी होगा इस सिटी के लिए। पहुंच गया मैं रिवर के पास किनारे पे, और यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल बना हुआ है, तो आज का शाम यही बीतेगा। आज मैं किसी टूरिस्टिक प्लेस पे नहीं जाने वाला हूँ,
बस आज थोड़ा चिल किया जाएगा। प्यारा सनसेट हो रहा है, सनसेट इंजॉय करेंगे और बैठेंगे ऐसे ही। इसके अलावा आज कुछ नहीं करना है। किलो किलो रेंट कर सकते हैं आप यहाँ से। रसीद और इसको 300 रुपए और 300 रुपए चार्ज। चार्ज वो अच्छा डाली 200 रुपए चार्ज। 200 रुपए चार्ज। साइकिल रेंट कर सकते हैं आप यहाँ से 300 रुपए पर आर, वो वाला 200 रुपए पर आर। मैं तो ऐसे ही पैदल घूमने वाला हूँ। सनसेट हो चुका है, शाम के 8:30 बज गए। मैक्स टू मैक्स आधे एक घंटे और घूमूंगा, उसके बाद कोई बढ़िया से रेस्टोरेंट देख के खाना खाएंगे और खाना खा के आज का दिन अपना ख़त्म करेंगे। फ्लो बहुत तगड़ा है यार रिवर का। ये रिवर का नाम है अमूर रिवर और बहुत ऊपर तक पानी है इसका। पार्क आ गया कोई, यहाँ वही बच्चों के लिए झूले वूले लगे हैं, बढ़िया बढ़िया गाने बज रहे हैं, माहौल थोड़ा अच्छी लाउड जैसा है। और महेश अदिन 220 रुपए का भाई, यहाँ चीज़ें बहुत महंगी है और सब सिटीज़ में 120 से स्टार्ट हो जाता है महंगा। मेरे पीछे आपको भीड़ दिख रही है, बेचारा एक चूहा है यार छोटा सा, इसको देखने के लिए भीड़ लगा दी है। बताओ भाई लोग फोटो ले रहे हैं यार, जैसे पता नहीं क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज देख लिया। तो हमारे इंडिया में आपको हर घर पर चूहा मिलेगा। इससे पहले कि ठंडा हो जाए खा लेते हैं। अच्छा गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार लास्ट वीडियो में मेरे कैमरे का कुछ सेटिंग ख़राब हो गया था, उस वजह से वीडियो स्टेबल नहीं आ रहा होगा, बट अभी ठीक हो गया है। तो नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे 2। और टाइम हो गया है अभी 4:30। मेरा प्लान था कि आज मैं निकलूँगा खबरों से व्लादिवोस्तोक के लिए, लेकिन कुछ पर्सनल काम आ जाने की वजह से मुझे एक दिन का स्टे लेना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि मुझे इंटरनेट चाहिए था और अगर मैं ट्रेन पे चला जाता आज तो इंटरनेट नहीं रहता। दिन भर मैंने अपना जो मेरा काम था वो निपटाया और अभी मैं फ्री हुआ हूँ शाम के 5 बजे।
बहुत शोर करते हैं यार ये ट्रैम। आज मैं कहीं घूमने गया भी नहीं, अभी जो मैं निकला हूँ वो भी घूमने के लिए नहीं, खाने की तलाश में। सोच रहा हूँ कि आज मेरे पास जब टाइम है ही, बहुत दिन हो गए इंडियन खाना खाए हुए, तो क्यों ना कुछ बना लिया जाए। मेरे पास वैसे मसाले तो है नहीं, मसाले मैंने बयार की फैमिली को गिफ्ट कर दिया था। मेरे पास कुछ पैकेट्स मैगी मसाले के बचे हैं, तो वही डालेंगे, यूनिवर्सल मसाला। अब देखना ये कि सुपरमार्केट कहाँ है, यहाँ पे ग्रोसरी का क्या भाव है वो भी आपको बता दूंगा मैं। जो आप फॉरेस्ट में जाओगे ना, चीज़ें महंगी होती जाती है। मुझे लेना क्या क्या है, चिकन लेना है, अनियन लेना है, टमाटर ले लूँगा, और सलाद के लिए खीरा। ऑयल भी नहीं था यार हॉस्टल में, तो छोटा सा ऑयल या बटर लेना पड़ेगा कुछ। चिकन है 750 ग्राम, और ये प्याज 54 रूबल्स। ये लवाश रुमाली रोटी की तरह होता है, दो ले लेता हूँ, 20 रुपये का। दो कॉफी, $236 का बिल बना, जो कि मेरे हिसाब से सस्ता ही है। खाना बनाना तो सस्ता पड़ता है यार। देखो कल मैंने शॉर्मा खाया था तो वो 220 रुपये का था अकेला, और ये 236 रुपये का मुझे सारा चीज़ मिल गया जो दो टाइम तीन टाइम चल जाएगा। लेकिन हाँ, ट्रैवलिंग में आप हमेशा तो खाना नहीं बना सकते, और अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया है, तो ये पिरास की खाऊँगा। अंडा और प्याज के पत्ते इसके अंदर है। सेम 27 रुपये का बिल बना है भाई। ये हो गया अपना सलाद, टमाटर और खीरा। यहाँ पे जो रशियन कार्स हैं, मतलब लाडा हो गया और ये सब, ये बहुत कम देखने को मिलेंगे यार, बहुत कम, मतलब ना के बराबर है। यहाँ आपको जैपनीज़ और चाइनीज़ कार, क्योंकि चाइना का बॉर्डर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मतलब रिवर के उस पार चाइना है। ये किचन, खाना बनाने का तैयारी करते हैं। पैन वैन तो है, इस वाले में हो जाना चाहिए। काटने कूटने वाला काम तो हो गया, फ्लेम कैसे ऑन होता है। चिमनी, खाना तैयार। बहुत ही बहुत अपने टाइप का खाना खाएंगे। मैगी रोटी लग रहा है, ईमानदारी से बताओ तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बड़ा दिन स्टार्ट हो गया है और टाइम हो रहा है सुबह के 12:45। मैंने हॉस्टल से चेकआउट कर दिया, अभी निकला हूँ बस सिटी घूमने के लिए। ट्रॉली मैंने वहीं रख दिया उन्हीं के पास, शाम में आकर के ले जाऊँगा। शाम में मेरी ट्रेन है यहाँ से 7 बजे। अभी मैंने 2-4 चीज़ें मार्क करी हैं कि वो सारी चीज़ें मुझे जाके देखनी है। सिटी में जू है छोटा सा, तो वहाँ चलते हैं। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी 27-28 डिग्री हो रहा है और बहुत चुपती है यहाँ की गर्मी। कार्टून वाली गाड़ियाँ बहुत चल रही, वो छोटी सी नहीं होती है वैगनार को भी और कंप्रेस कर दो तो कैसा एकदम डब्बा बन जाता है, वैसी गाड़ियाँ बहुत दिख रही है भाई। जैपनीज कार हैं सारी, ऐसी गाड़ियाँ ना सिंचन में देखा करते थे बचपन में यार। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गूगल और यांडेक्स ने मेरा पागल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे घर दिख रहे हैं और घर के अंदर तो कोई जू पार्क होगा नहीं जहाँ पे मैं आया हूँ ना। ये सिर्फ ऑफिस है, आपको कहीं और जाना है जो कि दूर है यहाँ से, बहुत दूर है, सिटी के बाहर है, तो शायद मैं इसे स्किप कर दूँ।
जो लिखा है क्वास, पूरे रशिया का लोकल ड्रिंक है ये, और वीट का बना होता है। रशियंस बहुत चाव से पीते हैं, बट यार बहुत गंदा होता है। ये भी मोन्यूमेंट है, अच्छा मेमोरियल है ये, जैसे अपना इंडिया गेट है ना, वहाँ जितने भी शहीद जवान हैं उनका नाम लिखा हुआ है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। जब रशियन जापानीज वॉर हुआ था तो उस टाइम जो जो सैनिक, जो जो सोल्जर मारे गए थे उसके हिसाब से नाम लिखा है, और साथ में उनका पोस्ट भी लिखा गया है। पूरा एकदम वहाँ से लेकर के एकदम वहाँ तक बहुत ज़्यादा है। ये हुआ था वॉर 1904 से 1905, जिसमें रशिया हार गया था। अब चलते थोड़ा उस साइड, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। जोर से प्यास लगी थी, बेहतरीन चीज़ मिला भाई, हैंडपम्प चलता है क्या? वाह, ये तो फुल रफ्तार में चल रहा है। मज़ा आ गया। मन भर के तो पानी नहीं हो पाया, जूता लग भींग गया। अमूर रिवर के किनारे आ गया वापस से मैं, फोटो वोटो खींच रहा था, इंस्टाग्राम पे डाला, जाओ चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे तो वीडियोस 5-6 महीने लेट आते हैं, बट इंस्टाग्राम पे मैं लाइव स्टोरीज, फोटोज़, ये सारी चीज़ें डालते रहता हूँ। चलो अब चलते हैं यहाँ से, 3:30 बज गए हैं, 1 घंटा लग जाएगा मुझे अपने हॉस्टल पहुँचने में, वहाँ से मुझे बैग उठाना है, फिर वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन निकलूँगा। ये सिटी हो गया, जितना घूमना था मैंने घूम लिया। इसका छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, ये सिटी पहले सबसे बड़ा सिटी था फार ईस्ट का, लेकिन फिर व्लादिवोस्तोक हो गया, तो ये शायद अभी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन फार ईस्ट। चाइना यहाँ से बहुत बगल है, जो चाइना का मंचूरिया प्रोविंस है वो यहाँ का बॉर्डर है। और क्या, यहाँ पे भाई गर्मी बहुत होती है गर्मी के मौसम में, ठंड भी बहुत होती है ठंड के मौसम में, यही 2-4 चीज़ है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम, गूगल कर लेना आप। 33 नंबर की बस लेनी है मुझे, वेट करते हैं। चलते यार, कुछ पहले पीने के लिए लेते हैं, दिमाग ठंडा करते थोड़ा। पहुँच गया मैं रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मेरी ट्रेन है 7:30 व्लादिवोस्तोक के लिए। ये जर्नी आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है। इस शहर में 2 दिन मैं रहा, सिटी अच्छी है, आप आ सकते हैं, अपने हिसाब से इंजॉय कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस काफ़ी सारे हैं और सिमिलर ही हैं हर जगह से, जैसे रशिया के और भी सिटीज़ में होते हैं,
ऑलमोस्ट वैसे ही है, चर्च है और हाँ यहाँ एक ये है कि यहाँ पे रिवर है, तो रिवर के किनारे आप इंजॉय कर सकते हैं, सूदिंग सा माहौल रहता है। तो बस ये था वीडियो खावारोव्स्क का। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा खावारोव्स्क से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक का मेरा लास्ट ट्रेन जर्नी ट्रांस साइबेरियन का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दस विदाई।